आईपीएल 2024 को लेकर लगातार खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी, लेकिन आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस लगातार सुर्खियों में है। कप्तानी को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर, ईशान किशन को लेकर तो है ही, लेकिन एक नई मुंबई इंडियंस की तस्वीर ने फिर से, जो लगातार लड़ाई की बात चल रही थी उसमें फैंस का दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने नए साल आईपीएल 2024 के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च की है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं उस जर्सी में, लेकिन उस जर्सी इवेंट की जब उन्होंने जो वीडियो डाला है, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो तस्वीर है, यानी कि उस वीडियो में सबसे पहले आपको कौन दिखेगा? अमूमन दिखते हैं कप्तान जो टीम के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कप्तान नहीं दिख रहे, इसमें दिख रहे हैं रोहित शर्मा। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि वहां पर आप रोहित शर्मा को पहले देखेंगे, सूर्य कुमार यादव को आप देख लेंगे, ईशान किशन को आप देख लेंगे, बाकी टीम के खिलाड़ी दिख जाएंगे और कप्तान हार्दिक पांड्या आपको आखिरी में दिख रहे हैं। यहीं से फैंस ने इस मुद्दे को उठा लिया है और लगातार आप सोशल मीडिया पर इस चीज को वायरल होते देख रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस कप्तानी का जो फैसला उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर लिया है, फैसला तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फैंस का जो रवैया रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो उन्होंने एक्शन रिएक्शन हुए हैं, क्या उसका ये नतीजा है कि अब मुंबई इंडियंस लगातार जो पोस्ट वायरल या कुछ इस तरीके का जो भी पोस्ट कर रही है उसमें शुरुआत में आपको हार्दिक पांड्या नहीं दिख रहे हैं? ये लगातार बड़ा कंसर्न बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसके पीछे के एक रीज़न ये भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस के बहुत सारे खिलाड़ियों ने कैंप ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या पहले जुड़ गए, ईशान किशन भी जुड़ गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी नहीं जुड़े और उनको लेकर खबर तो ये भी है कि शायद वो शुरुआत के कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा के बारे में कहा गया कि वो 15 तारीख को जुड़ेंगे, लेकिन जब तक वो जुड़ नहीं जाते तब तक ये अफवाह जरूर चलती रहेगी कि क्या वो शुरुआत के मुकाबले मिस करेंगे या आईपीएल पूरा मिस कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इन तस्वीरों ने, मुंबई इंडियंस ने जो अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाला है, इससे लगातार जो अफवाहें हैं उस पर फिर से एक तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही हैं। क्या आप भी ये चीज़ें सोचते हैं कि जो ये वजह है, जो ये तस्वीरें डाली गई है जिसमें सबसे पहले रोहित शर्मा नज़र आ रहे हैं, जिसमें उसके बाद सूर्य कुमार यादव नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ईशान किशन नज़र आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या आखिरी में नज़र आ रहे हैं, क्या इसके पीछे वाकई में कोई वजह हो सकती है या सिर्फ इन बातों को फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा से इमोशनल कनेक्शन है लोगों का? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पोर्ट्स नाउ को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। फिलहाल आप सभी ने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।